हेलो अंजलि, वेलकम ऑन फीफा फूस टीवी। हेलो, हाय फ्रेंड्स. हेलो, थैंक यू सो मच. इट्स अ प्लेजर आपको हमारे साथ आज आपको। और क्या कहेंगी, इतना मजा आ रहा है आपको, कितना मजा आ रहा है शो में। हमने शुरुआत में आपसे बात की जब ऑडिशन के बाद 15th में, टॉप 15th में सिलेक्ट हुई थी, और इसके बाद अभी मिल रहे हो आप। पर इस बीच हमें पता चला एक और टैलेंट अंजलि का, गाने के साथ वो रैप भी करती है, मतलब हर एक को टक्कर देती है आप। यस यस. पहले तो आपको सबको थैंक यू और मुझे यहाँ बुलाने के लिए. और बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. और आपने जैसे कहा कि रैप भी अभी मैं सीख रही हूँ. और जैसे कि पहले बादशाह सर आए थे, उनके सामने मैंने रैप गाया था. अभी यो यो हनी सिंह आए थे, उनके सामने रैप गाया था. तो बहुत अच्छा लग रहा है. और इन सब के साथ, इन सब कंटेस्टेंट के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छे से हो रही है. और इन सब में मैं बहुत छोटी हूँ, पर इन सब से बहुत सीखने को मिल रहा है. उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है मुझसे, तो बहुत सीखने को मिल रहा है. हम ज्यादा मस्ती कर रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे. और जी बहुत मजा आता है हम जब साथ में मिलते हैं, गाना गाते हैं, यहाँ पे परफॉर्म करते हैं एक साथ. बहुत मजा आ रहा है. सबसे यंगेस्ट कंटेस्टेंट है आप अंजलि, तो यस, कितनी पापरी होती है सेट पे जानना सबसे चाहिए। यंगेस्ट मैं हूँ. तो सब कुछ मतलब सीखने को मिल रही हो रही है यहाँ पे. और जो जो मतलब इंडियन आइडल पे बहुत मजा आ रहा है. पहली बार मैंने इतने बड़े शो में पार्टिसिपेट किया है और यहाँ तक पहुंची हूँ, तो सिर्फ इंडियन आइडल की वजह से. तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी. और सभी मेरे जो चाहने वाले हैं मुझे, तो वो भी उनसे भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे. तो उन सबके लिए थैंक यू. और बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं हम यहाँ पे सब. और बहुत ही मजा आ रहा है, सब सीखने को मिल रहा है. जो जो हमारे यहाँ पे गेस्ट्स आते हैं, उनके एक्सपीरियंस सुनने को मिल रहे हैं और उनसे सीखने को मिल रहा है. जो जो सिंगर्स आते हैं, जो कंपोजर्स आते हैं, तो पहली बार उनसे जब मुलाकात होती है, तब तो मतलब एक ड्रीम जैसा लगता है, एक सपने जैसा लगता है. तब हम जब रूम पे आते हैं, तब तो ऐसा लगता है कि सच में ऐसा हुआ था, हम मिले थे सबसे. तो एक ड्रीम जैसा है सब. और बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे माहौल है, सब मिलजुल कर रहते हैं. तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. बहुत मतलब एक अच्छा माहौल है यहाँ पे. जी बिल्कुल, हम बॉन्डिंग देखते हैं आपकी। बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि कंपटीशन में गा रहे हैं, सब एंजॉय यस करते यस, हैं तरह। सब और एंजॉय करते हैं. और किसी मतलब एक कॉम्पिटिटर एक पूछा जाए तो ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि सब अच्छे ही गा रहे हैं. और ऐसा कोई भी नहीं यहाँ पे कि मैं अच्छा गाता हूँ आपसे, मैं अच्छा गाता हूँ. तो यहाँ पे सब मिलजुल कर रहते हैं, सबको अच्छा हम रिस्पांस देते हैं. जब भी कोई कंटेस्टेंट जाता है, तो हम उसे बहुत अच्छा सा गुड लक देते हैं, गुड लक विशेस देते हैं. तो बहुत अच्छी एनर्जी हम देते हैं एक दूसरे को. तो वो एक एक अच्छा लगता है, सब एक माहौल अच्छा है. और आपके पिताजी भी फेमस हो गए आपके साथ साथ हानिका हाँ, बापू हानिकारक क्या कहेंगे, बापू. यस, कितना ख्याल रखते हैं, सबको डिसिप्लिन में रखने की कोशिश करते हैं, सिर्फ अंजलि नहीं बल्कि सबकी खातिरदारी करते हैं, यस ख्याल रखते हैं, यस क्या कहेंगे यस अंजलि यस यस, ऑफ कोर्स. मेरे पापा मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ यहाँ पे स्ट्रिक्ट है और सबके साथ डिसिप्लिन में रहते हैं. सबको जल्दी उठाते हैं, सुबह 6 बजे रियाज करवाते हैं, हमसे योगा करवाते हैं. तो ये सब हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं वो. और सबको वो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनकी ये डिसिप्लिन की वजह से ही हम बहुत अच्छे से रियाज कर पा रहे हैं, हम बहुत अच्छे से मेहनत कर पा रहे हैं. और मेरे पापा पे मुझ पे मेरे पापा मुझे बहुत प्राउड करते हैं. और मेरा मेरे पापा का मैं और नाम रोशन करना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए इतना इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी उतनी लगन है उनकी. तो उनका जो आशीर्वाद है वो हमेशा मेरे साथ है. तो मैं जरूर आगे जाऊंगी और उनका नाम रोशन करूंगी, ऐसे ही मैं चाहती हूँ. जी बिल्कुल। और आप अभी भी नाम रोशन कर रही है, क्योंकि जब जब आपके तो ताने लगते हैं, सुर लगते हैं, तो बड़े बड़े लेजेंड्स भी हिल जाते हैं।
कि कैसे कर लेती छोटी सी बच्चे क्या कहेगी। इतना रियाज किया है आपने और इतने ऊंचे ऊंचे सुर लगते हैं आपके। स्केल की अगर बात करें अंजलि, क्या है सिंगिंग, मतलब कितना मजा आता है आपको इन हर चीज में, इतनी वैरायटी ऑफ सिंगिंग है आपकी, हर एक परफॉर्मेंस में देखा जाए तो जो आप ताने लेती है। प्लीज वी वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू अबाउट दिस। यहाँ पे जो मेंटर्स है वो बहुत ही अच्छे हैं और हमें जब गाने मिलते हैं तब हम बहुत ही प्रैक्टिस करते हैं उस पे, और एक्सप्रेशंस, गाना ऑफ कोर्स गाने पे तो ध्यान देती ही है पर उसके साथ साथ एक्सप्रेशंस, फील वाइज कैसे आना चाहिए, तो वो प्रैक्टिस हमारी ज़्यादा होती है। और मेरी स्पेशलिटी मतलब मैं ताने लेती हूँ, इतना रियाज करती हूँ तो वो भी मैं ऐड करती हूँ मेरे हर एक गाने में। और हम सबका एक यही ट्राई होता है कि हम अच्छे से हमारा 100% दे और सबको इम्प्रेस करे, जजेस को इम्प्रेस करे। तो मेरा भी यही एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं सबको इम्प्रेस करूं और इंडियन आइडल में ऐसे ही आगे बढ़ती रहूं। और यहाँ पे जो मेंटर्स है वो भी बहुत ही अच्छे हैं, हम सबसे बहुत अच्छा रियाज करवाते हैं और उन सबकी भी बहुत मेहनत है हमारे ऊपर, उनकी वजह से ही हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो उन सबका भी मैं बहुत ही थैंक यू करना चाहती हूँ और बहुत ही मजा आ रहा है। और सबके साथ यहाँ पे रियाज होता है, एक साथ हम जैमिंग करते हैं तो बहुत ही मजा आता है। पवनदीप भैया होते हैं साथ में, आशीष भैया होते हैं, सब सब साथ में होते हैं तो एक अलग ही माहौल बन जाता है। हर एक मतलब एक गाना शुरू हो गया तो दूसरा गाना, तो एक ऐसा माहौल बन जाता है। और सेट पे भी जब हम लोग ऐसे ही थोड़ा फ्री टाइम होता है तब जैमिंग करते हैं, बहुत ही मजा आता है। और बहुत सबके साथ एक अलग बॉन्डिंग हो गया है, सबके साथ फ्रेंडशिप हो गई है तो एक बहुत ही अच्छा से अच्छा लगता है, खुशी होती है बहुत। क्या बात है, थैंक यू सो मच अंजलि हमारे साथ जुड़ने के लिए आज, और इतनी सारी बातें आपने शेयर की है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कोई मोमेंट जाते जाते बताना चाहेंगी, कोई खास मोमेंट जो हमेशा आपके दिल के करीब हो, हालांकि बहुत सारे होंगे, इतने सारे एपिसोड्स हुए, इतने यस सारे अमेजिंग, फिर भी कोई चंद चीजें अगर आप हमसे शेयर करना चाहेंगे अंजलि। मेरे लिए तो सभी मोमेंट्स अच्छे ही हैं, मतलब एक ड्रीम की तरह है। पर एक मोमेंट ऐसा था जब मेरे पापा ने भी स्टेज पर गाना गाया, और मतलब मेरा ये मेरी एक इच्छा थी कि पापा भी कभी स्टेज पर गाना गाए, उनका भी गाना सब लोग सुने, क्योंकि मेरे वो गुरु है, म्यूजिक के टीचर है तो उनका भी गाना सब लोग सुने, ऐसी मेरी इच्छा थी। वो मेरी इच्छा वो इंडियन आइडल में पूरी की, तो वो एक मोमेंट मेरे लिए बहुत ही खास था और बहुत ही स्पेशल था मैं ये कहूँगी। और वैसे तो सभी मोमेंट्स स्पेशल ही है मेरे लिए, पर ये एक खास मोमेंट था मेरे लिए, बहुत अच्छा लगा था मुझे। क्या बात है, थैंक यू सो मच। एंड जाते जाते बिल्कुल आप सामने हो तो लाइव दो लाइनें अंजलि अरे गुनगुना हमारे लिए। ओके। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है, दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है, अंजाम है तय मेरा होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है, ये दूरियां फिलहाल है। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अंजलि, आप ऐसे हमें एंटरटेन करते रहो, यही विशेष यस यस हमारे ऑफ कोर्स, थैंक के साथ। यू सो मच, सी मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके चलिए बाय। बाय।